न्यूज चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकतंत्र के भविष्य का राजा बताने पर फड़के जावेद अख्तर। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के ट्वीट पर जावेद अख्तर ने कड़ा जवाब दिया है और कहा है कि कांग्रेस का ये खाब मोदी को हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बनाएगा। मशहूर लेखक जावेद अख्तर जो अक्सर कांग्रेस की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आते हैं, दरअसल उनका एक ऐसा ट्वीट सामने आया है जो कांग्रेस की परेशानी को बढ़ा सकता है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने एक ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को लोकतंत्र के भविष्य का राजा यानी प्रधानमंत्री बता डाला। सलमान खुर्शीद ने बाकायदा राहुल गांधी और राजीव गांधी की कोलाज फोटो ट्विटर पर शेयर की और साथ ही ट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय लोकतंत्र के पूर्व और भविष्य के राजा। जिस पर लगातार सलमान खुर्शीद अब सोशल मीडिया पर ट्रोल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन वही सलमान खुर्शीद के इस ट्वीट पर मशहूर लेखक जावेद अख्तर का ट्वीट भी सामने आया है, जिन्होंने सलमान खुर्शीद की इस बात से असहमति जताई है और कहा है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। जावेद अख्तर ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि मिस्टर सलमान खुर्शीद, आपका विरोधाभास लोकतंत्र का राजा बेहद निराशाजनक है। राहुल गांधी एक विपक्ष के तौर पर स्वीकार किए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें स्वीकार किए नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनके प्रधानमंत्री बनने का सपना अगर कांग्रेस पार्टी देखती है तो वो नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनाए रखने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से जावेद अख्तर का ये ट्वीट अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि जावेद अख्तर जो लगातार केंद्र सरकार का विरोध करते नजर आते हैं, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी का साथ हर मौके पर दिया है, हर मुद्दे में दिया है। और यही जावेद अख्तर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के इस ट्वीट पर असहमति जता रहे हैं, यानी राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते। ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी जिस तरीके से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है, उसे लगातार झटका ही लग रहा है, क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बिखरती नजर आ रही है। दो गुटों में कहीं ना कहीं बट चुकी है, क्योंकि नेतृत्व जो है वो सही हाथों में पार्टी का नहीं है और यही वजह है कि लगातार जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं खाई में गिरती नजर आ रही है। आपको बता दें, जावेद अख्तर का ये ट्वीट बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट के बाद आया है। संबित पात्रा ने भी सलमान खुर्शीद के इस ट्वीट पर जवाब दिया था। खुर्शीद की बिना सिर पैर वाली इस बात का जवाब संबित पात्रा ने पूर्व सांसद को दिया और यह याद दिलाया था कि दरअसल भारत एक लोकतंत्र है, यहां वंश नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने भारतीय लोकतंत्र का राजा राहुल गांधी को कहा है, संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए सलमान खुर्शीद को जवाब देते हुए यह लिखा था कि दरअसल लोकतंत्र का कोई राजा नहीं होता है, राजवंशों का राजा होता है, लोकतंत्र में कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन आप हमेशा ही पुराने राजा और भविष्य के जोकर राजकुमार के दरबारी बने रहेंगे। कांग्रेस पार्टी को यह जवाब संबित पात्रा की ओर से भी दिया गया था, लेकिन संबित पात्रा का जवाब जाहिर तौर पर एक विपक्ष के तौर पर सामने आया, विपक्षी पार्टी के तौर पर सामने आया, लेकिन जावेद अख्तर का जो ट्वीट है वो लगातार इसलिए घिरते नजर आ रहे हैं क्योंकि जावेद अख्तर लगातार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आए हैं, लेकिन अब लगातार उनकी पोल खुल रही है। जिस तरीके से वो राहुल गांधी को बड़ा झटका दे रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री उन्हें राहुल गांधी में नहीं दिखता है, हालांकि देश की जनता को भी नहीं दिखता है। ये लगातार लोग सलमान खुर्शीद के ट्वीट पर उन्हें जवाब दे रहे थे, लेकिन जावेद अख्तर का ट्वीट अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, जिस राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी भविष्य का राजा बता रही है, प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है, वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी में पूरी तरीके से धूमिल हो चुके हैं। केरल के वायनाड से एक सांसद के विपक्ष के रूप में वो हैं, लेकिन आपको बता दें 2019 में लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस के गढ़ अमेठी से हार गए थे और राहुल अब पार्टी के अध्यक्ष पद पर भी नहीं है, यानी
पार्टी के एक नेता के तौर पर ही वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी के हाथ में पार्टी की कमान सौंपी जाए, क्योंकि पार्टी लगातार बिखर रही है। ऐसे में एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत जो है वो कांग्रेस पार्टी को है, और जाहिर तौर पर पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है। इसके अलावा भी जो विधानसभा चुनाव हाल ही में सामने आए उसके नतीजे वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। तो ऐसे में ये जो ख्याली पुलाव कांग्रेस पार्टी पका रही है ये छोड़ दे, और यही वजह है कि जावेद अख्तर ने भी इस तरीके का ट्वीट अब कांग्रेस पार्टी की आंखें खोलने के लिए ये किया है। तो फिलहाल देश में एक तरफ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। कोविड महामारी के दौर में भी लगातार कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही कर रही है। वोट हासिल करने का तरीका अब नया तरीका निकाला है, टूलकिट का सहारा कांग्रेस पार्टी की ओर से लिया गया है। तमाम नए पैतरे अपनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से जाहिर तौर पर की गई, कभी टूलकिट का बहाना लेकर तो कभी किसान आंदोलन, कभी किसान जनसभाएं जो की गई किसान आंदोलन की आड़ में उसका सहारा लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने पुरजोर तरीके से ये कोशिश की है कि वो जनता को साथ सके, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम चीजें फेल होती ही नजर आई हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी खुद दो गुटों में बढ़ चुकी है। एक तरफ तमाम वो वरिष्ठ नेता हैं जो कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ये लगातार देखने को मिल रहा है कि वरिष्ठ नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही है, और यही वजह है कि गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे नेता लगातार पार्टी से बगावत करते नजर आ रहे हैं। पार्टी खुद को संभाल नहीं पा रही है और देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है। हालांकि उनका यह सपना सपना ही रहेगा ये लगातार देश की जनता कह रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार नए नए साजिश और षड्यंत्र रच रही है वो लगातार बेनकाब हो रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी की पोल खोलते भी नजर आ रहे हैं। हाल ही में टूलकिट का मामला सामने है, जिस तरीके से सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस टूलकिट को तैयार किया था, और किस तरीके से जो तुष्टिकरण की राजनीति है वो करने की कोशिश इस टूलकिट के सहारे की गई ये भी देखने को मिला। कुंभ पर सवाल उठाए गए लेकिन ईद पर ना बोले, इसका साफ संदेश अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को कांग्रेस पार्टी आलाकमान की ओर से दिया गया। किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल किया जा सकता है, इसको लेकर भी तमाम दिशा निर्देश पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को दिए थे। तो यही साजिश और षड्यंत्र है जो लगातार बेनकाब हो रहा है, और कांग्रेस की छवि को एक बड़ा झटका हर रोज लगता नजर आ रहा है। फिलहाल टूलकिट पर भी लगातार राजनीति जारी है, लेकिन वहीं आपको बता दें किसान आंदोलन की आड़ में भी बड़े साजिश और षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी रचने की कोशिश कर रही है, वो भी बेनकाब हुआ। कमलनाथ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो किसान आंदोलन की आड़ में देश में हिंसा और दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं। तो यही तमाम पैतरे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ने के लिए अपनाए हैं, लेकिन जब इस पर खुलासा हुआ है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने जवाब दिया है। लेकिन अब सलमान खुर्शीद का ये ट्वीट, और सिर्फ ये एक ट्वीट नहीं है जिसमें उन्हें लोकतंत्र के भविष्य का राजा राहुल गांधी को बताया है, बल्कि इससे पहले भी उनका एक ट्वीट काफी वायरल हुआ था जो उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर किया था। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी सिर्फ राहुल गांधी की मां नहीं है बल्कि वो पूरे देश की मां है। उनका ये ट्वीट काफी वायरल हुआ था और कहीं ना कहीं लोग इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते नजर आए थे, लेकिन अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद घिर चुके हैं। लगातार लोग उन्हें ट्रोल करते नजर आ रहे हैं कि दरअसल ये ख्याली पुलाव पकाना कांग्रेस पार्टी छोड़ दे, अगर जमीनी स्तर पर कुछ काम करे तो जाहिर तौर पर जनता वोट दे, लेकिन राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं, ये कड़ा जवाब लगातार कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस के साथी जो नेता हैं या तमाम लोग हैं उनका ट्वीट साफ आ रहा है, उनके बयान साफ आ रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी की आंखें खोलने के लिए काफी हैं कि लोग नहीं चाहते हैं कि राहुल
राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। और जाहिर तौर पर जावेद अख्तर का ये ट्वीट उनमें से ही एक है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी उन्हें स्वीकार्य हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का सपना अगर वो देखते हैं तो जाहिर तौर पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही हमेशा के लिए भारत के प्रधानमंत्री बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मुकाबला राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दे सकते हैं, ये कांग्रेस पार्टी को बात समझ जानी चाहिए। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।